स्वागत है आपका संगीता विश्वरूप चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है कुछ खास, जिसमें हम बेसन के पकोड़ों की जगह कुछ नया करने जा रहे हैं और बनाएंगे अलग तरह का कढ़ी पकोड़ा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, ये स्पेशल कढ़ी पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने के लिए ये मैंने लिया है पाव भर दही। दही थोड़ा खट्टा है और इसमें हम मिक्स करेंगे 1/4 कप बेसन या 2 बड़े चम्मच बेसन हमें मिक्स करना है। और अच्छी तरह से हम पहले इसको मिक्स कर देते हैं। आप इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर आप मिक्सर जार में इसको थोड़ा सा चंक कर लें और मिक्सर जार में भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बेसन इसमें मिक्स हो गया है दही में। इसमें कोई भी लम्स भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट ठंडा ही होता है इस समय, तो लम्स पड़ने का इसमें कोई ज्यादा डर नहीं रहता है। और अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं 1 लीटर के लगभग पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे हम इसमें। फ्रेंड्स, अब हम एक पैन में ये जो बेसन और दही का हमने घोल तैयार किया है इसको ले लेते हैं, जिससे कि इसको हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। कढ़ी को अच्छी तरह से हमें उबालना है और बाद में हम फिर उबालने के बाद फिर हम इसकी बघार करेंगे। बघार हम पहले से नहीं कर रहे हैं, पहले पैन में मैंने घोल ले लिया है और अब मैं गैस चालू कर देती हूँ। जब तक कढ़ी में अच्छी तरह से उबाल नहीं आ जाता है, इस तरह से हमें मिक्स करते रहना है, जिससे कि बेसन नीचे चिपके नहीं। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं और कढ़ी में उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें डालते हैं स्वादानुसार नमक। नमक डाल देंगे स्वादानुसार। और स्वाद में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर, क्योंकि मैं कढ़ी में लहसुन और प्याज का फ्लेवर नहीं दे रही हूँ। अदरक और मिर्ची का फ्लेवर ही हमारे यहाँ सबको पसंद है, मैं वो दे रही हूँ, इसलिए मैं शुगर डाल रही हूँ। फिर भी ऑप्शनल है, आप अवॉइड करना चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे। शुगर डालने के बाद भी हमें थोड़ा सा मिक्स करना होता है, क्योंकि शुगर अच्छी तरह से घुल जाए इसमें और नीचे लगे नहीं, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, ग्रेट करके डाल रही हूँ। अदरक का ऊपर का छिलका मैंने निकाल दिया है और बारीक ग्रेटर से मैं इसमें ग्रेट करके अदरक डालूंगी। आप मिक्सर में भी पीस कर अदरक डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, एकदम बारीक ग्रेटर से ग्रेट किया है, छिलका भी निकाल दिया है, थोड़ा अदरक कढ़ी में ग्रेट किया, थोड़ा अदरक हम पकौड़े में डालेंगे। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है हमने और अब हम गैस को स्लो कर देंगे और कढ़ी को धीमी आंच पर उबलने देंगे। तब तक हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आज का हमारा ट्विस्ट यही है कि हम बेसन के पकौड़े की जगह आज बना रहे हैं चने की दाल के पकौड़े। चने की दाल के पकौड़े कढ़ी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये ऊपर से सॉफ्ट बनते हैं, ऊपर से थोड़े फर्म टेक्सचर होता है, अंदर से इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में रखते से ही घुल जाते हैं। इसे हम तल कर बना सकते हैं, बिना तले हुए भी बना सकते हैं। मैं दोनों ही प्रकार से आपको बनाकर बताऊंगी। और यहाँ पर जो हमने जो कढ़ी उबलने के लिए रखी, इसको हमें बराबर से ध्यान रखना है कि उबल कर ऊपर नहीं आ जाए, इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन ही लें कढ़ी बनाने के लिए और इस तरह से मिक्स करते रहे। फ्रेंड्स, ये चने की दाल को मैंने साफ धोकर 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा है। इतना टाइम नहीं है तो फिर भी 2 घंटे में भी दाल आसानी से भिग जाती है। आप इसको 2 घंटे भिगो कर भी ये वड़े बना सकते हैं और पकौड़े बना सकते हैं। और अब मैं इस तरह से पानी को थोड़ा सा छान कर और मिक्सर जार में ले लेती हूँ, दाल को हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने चने की दाल को मिक्सर जार में पीस लिया है, बॉल में निकाल लिया है और थोड़ा दरदरा ही हमने पीसा है, जिससे कि हमारे पकोड़े एकदम ठोस नहीं बनेंगे, थोड़े सॉफ्ट बनेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं बेसन बाइंडिंग के लिए। 1 से 2 चम्मच ही हमें खाली बेसन डालना है बाइंडिंग के लिए। और फिर हम इसमें मिक्स कर देते हैं हींग। हींग का स्वाद तो बहुत अच्छा आता है बेसन और चने की दाल में, और पचने के लिए भी अच्छे होते हैं। हींग डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ में लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, थोड़ा दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर है ये घर का, मैं धनिया पाउडर इसमें मिक्स कर रही हूँ। और साबुत जीरा, थोड़ा सा साबुत जीरे का स्वाद भी इसमें बहुत अच्छा आता है। और फिर ऊपर से हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च बारीक कट की हुई,
मैंने पीसते वक्त नहीं डाली है, आप हरी मिर्च और अदरक को पीसते वक्त भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से ऊपर से ज्यादा अच्छी लगती है पकौड़े में, इसलिए हरी मिर्च बारीक कट करके डाली है और हरा धनिया भी हम इसमें बारीक कट करके डालेंगे और ये डंडी के साथ ही धनिया लिया है कि इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लेती हूँ और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक डालेंगे हम इसमें और साथ में, और हाथ से सबको हमें मिक्स करना है और फिर हम इसको थोड़ा सा फेंट भी लेंगे। इस तरह से सारे मसाले अच्छी तरह से चने की दाल में मिक्स कर दिए हैं और अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से अच्छी तरह से फेंट लेते हैं जिससे कि एकदम हल्के बनेंगे पकौड़े। फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी अच्छी तरह से उबल गई है और यहाँ पर मैंने पकौड़े के लिए तेल भी गर्म करने के लिए रखा है। तेल थोड़ा गर्म हो गया है, इसी में से हम थोड़ा सा एक चम्मच तेल लेके और इस पकौड़े के बैटर में डालते हैं, मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, तेल का मोयन मिक्स कर दिया है और अब हमें यदि तले हुए पकौड़े नहीं चाहिए तो इस तरह से जो कढ़ी उबल रही है इसमें हम छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बनाकर डाल सकते हैं। कढ़ी उबलने लग जाए तो उबलती हुई कढ़ी में ही इस तरह से बॉल्स डालने हैं जिससे कि उसमें अच्छा सा एक बाइंडिंग आ जाता है। फ्रेंड्स, ये बिना तले हुए पकौड़े हमने कढ़ी में डाल दिए हैं और 3-4 मिनट के लिए मैंने कढ़ी को उबाल लिया है। पकौड़े अच्छी तरह से सेट हो गए हैं, ये देखिए कुक भी हो गए हैं। और इस तरह से यदि पकौड़े हम कढ़ी में कुक करते हैं तो कढ़ी का भी स्वाद बढ़ता है और पकौड़े भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं ये बिना तले हुए। पर यदि आपके पकौड़े कढ़ी में डालने के बाद घुल रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन का बाइंडिंग और डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इन पकौड़ों को खाने का एक तरीका ये है कि इन पकौड़ों को कढ़ी में से निकाल कर अपनी थाली में ही प्रत्येक जन अपनी थाली में इसको फोड़ लेता है और उसके ऊपर से ऊपर फिर लाल मिर्च और राई का बगार डालकर इसको खाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये पकौड़े। फ्रेंड्स, अब पकौड़े तलने के लिए हमारा तेल गर्म हो गया है, थोड़े पकौड़े तो हमने बिना तले हुए इसमें डाले हैं, बाकी के पकौड़े हम तलकर बनाएंगे। और इसमें हमने सोडा बिल्कुल नहीं डाला है, सोडा डालते हैं तो सारे पकौड़े का स्वाद खराब हो जाता है, एकदम सोडे का फ्लेवर हावी हो जाता है और जो हमने इसमें अदरक मिर्ची और बाकी सारे मसाले डाले हैं उसका हमें प्रोमिनेंट फ्लेवर चाहिए, इसलिए सोडा मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया है। हमने दाल को अच्छी तरह से फेंट लिया है और फिर साथ में उसमें थोड़ा तेल का मोयन भी डाला है तो एकदम अच्छे खस्ता क्रिस्पी तो बनेंगे। एक बार तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए कि फिर गैस को स्लो करके फिर पकौड़े डालने हैं और फिर हमें इसे स्लो से मीडियम फ्लेम पर तलना है, गोल्डन करना है जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से तले जाएंगे पकौड़े। फ्रेंड्स, ये पकौड़े एकदम गोल्डन हो गए हैं और अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी के पकौड़े भी हम इसी तरह तल लेंगे। फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी धीमे आंच पर उबल रही है और अब ये हम तले हुए पकौड़े भी इसमें डाल देते हैं और पकौड़े डालने के बाद 5-7 मिनट के लिए हम कढ़ी अच्छी तरह से उबाल लेंगे कढ़ी को और फिर हम इसकी बघार करेंगे ऊपर से। फ्रेंड्स, अब फाइनली हम कढ़ी को बघार करते हैं, इसके लिए थोड़ा घी गरम करेंगे। फ्रेंड्स, घी गरम हो जाए कि हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी राई, राई अच्छी तरह से फूटने लग गई है और अब हम इसमें डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच, मेथी दाना 1/2 छोटा चम्मच और हींग डालेंगे हम इसमें स्वाद के लिए। साथ में हम इसमें डालते हैं 1 सूखी लाल मिर्च, करी लीव्स हम इसमें डालेंगे और हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हरी मिर्च लंबी कटी हुई। अब ये बघार गरम गरम हम कढ़ी के ऊपर डालेंगे, बहुत ही अच्छी बघार की खुशबू आ रही है घी के साथ हींग और जीरे की, और तुरंत ही थोड़ा सा ढक देते हैं जिससे कि बघार अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बघार डालने के बाद इस तरह से तुरंत ही ऊपर से ढक देने से बघार के सारे फ्लेवर कढ़ी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। 1.5-2 मिनट के लिए मैंने इस तरह से ढक के रखा था कढ़ी को और अब हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको प्याज के पकौड़े पसंद हो तो आप दाल में बारीक प्याज काट कर डाल सकते हैं और फिर वो पकौड़े तल कर कढ़ी में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे चने की दाल के कढ़ी पकौड़े तैयार हैं। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ।